बच्चे की कहानी सुनाऊं? जी जी। बताए क्यूट से बच्चे का नाम क्या था? क्या था? उस बच्चे का नाम था हसन रजा। क्या नाम था? हसन रजा। चलें जनाब, कहानी कुछ यूं है कि एक शहर के अंदर हसन रजा नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। प्यारा और ज्यादा प्यारा जब हो जाता है जब वो मिलनसार हो। मिलनसार समझते हैं? एक दूसरे से अच्छे अंदाज के साथ बात करने वाला, अच्छे अंदाज के साथ रिप्लाई करने वाला, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। तो वो जो हसन रजा था ना, वो बड़ा मिलनसार था। तो बहुत सारे बच्चे उसके साथ आ जाते थे, उनके घर के सहन के अंदर सारे मिलकर खेला करते थे। एक बार इतवार के दिन हसन रजा के घर पर सारे बच्चे मिलकर खेल रहे थे। अजान हुई। जैसे ही अजान हुई तो हसन रजा के वाली साहब, जिनका नाम था अली हसन, क्या नाम था? अली हसन। अली हसन भाई अपने रूम से वुजू करके बाहर निकले और बाहर निकलकर सारे बच्चों को कहा, चलो बेटा जल्दी सारे नमाज के लिए रेडी हो जाएं, नमाज के लिए तैयार हो जाएं। और हसन रजा से भी कहा कि बेटा जल्दी से आओ मस्जिद की तरफ। हसन रजा ने बाबा से कहा कि बाबा जान आप आगे पहुंचे, हम लोग बस अभी खेल खत्म करके आते हैं। बाबा मस्जिद की तरफ चले गए। अब हसन रजा फिर से अपने दोस्तों के साथ क्या करने में मसरूफ हो गया? खेलने में मसरूफ हो गया। अब जैसे ही खेलने में मसरूफ हुआ ना, इसे अंदाजा ही नहीं रहा कि टाइम इतना ज्यादा हो गया कि नमाज का टाइम गुजर गया। और थोड़ी देर के बाद अबू नमाज पढ़ के वापस आने लगे। वापस आए तो अब हसन रजा ने देखा अबू को आते हुए, अब बड़ा घबराया क्योंकि वो नमाज के लिए नहीं गया था और खेल में उसका टाइम जाया हो गया था। अबू को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया और सोचने लगा कि अभी अबू जो है वो मेरी खबर लेंगे। लेकिन अबू ने हसन रजा को देखकर कुछ कहा नहीं, बल्कि अपने रूम में जाकर अपने काम में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद हसन रजा के कान में आवाज आई, हसन रजा मेरे लिए पानी ले आओ। हसन रजा फौरन से दौड़ा और किचन से जाकर एक गिलास पानी का अबू के लिए ठंडा ठंडा लेकर आया। अबू को पानी दिया तो अबू ने पूछा, बेटा ये बताओ नमाज पढ़ ली? अब हसन, उसके तो पसीने निकलने लगे, उसने नजरें झुका ली और कहने लगा, अबू जान वो खेलने की वजह से नमाज नहीं पढ़ सका हूं। अबू ने कहा, बेटा कितनी बुरी बात, मैंने आपको याद भी दिलाया, जल्दी से मेरे पास नमाज पढ़ के वापस आओ। अब हसन रजा दौड़ता हुआ गया, जल्दी से वुजू किया, खुद भी नमाज पढ़ी, दूसरे बच्चों ने भी नमाज पढ़ी। अब हसन रजा जैसे ही नमाज पढ़ के बाबा के रूम में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि बाबा स्टूल पर चढ़े हुए हैं और दीवार से बल्ब उतार रहे हैं। हसन रजा ने बाबा से पूछा कि बाबा जान यह बल्ब क्यों निकाल रहे हो, ये तो रोशनी हमें देता है। तो बाबा जान ने हसन रजा से कहा, बेटा ये बल्ब फ्यूज हो गया है। क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। अब ये रोशनी हमें नहीं देगा, ये खराब हो गया है, मैं इसलिए इसे निकाल रहा हूं। फिर इसी बल्ब से रिलेटेड बाबा ने हसन रजा को समझाते हुए कहा, बेटा आओ मेरे पास आओ, तुम्हें मैं एक बात समझाता हूं। अब हसन रजा को जो बाबा ने बात बताई ना, हमें भी गौर से सुननी है और इस बात को समझना है। बाबा ने कहा, बेटा देखो इस बल्ब का एक मकसद था। मकसद क्या था इस बल्ब का? रोशनी देना। अब अगर ये फ्यूज हो गया तो इस बल्ब का काम खत्म हो गया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें भी एक मकसद के लिए पैदा फरमाया है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन और इंसान इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। अब अगर इंसान इबादत ना करे तो उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो परहेजगार है, जो इबादत गुजार है। तो अब अगर इंसान इबादत नहीं करेगा तो उसकी वुकात खत्म हो जाएगी, उसका मकसद खत्म हो जाएगा। तो हमें अल्लाह की इबादत करते रहना चाहिए। अब हसन रजा को समझ आ गई कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। उसने अपने बाबा जान से वादा किया कि बाबा अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा। इस कहानी से हमें भी सीखने को मिला बेटा कि हमें भी अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि वो बहुत सारे खेलों में मसरूफ होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। हसन भाई देखा है ना, बहुत सारे बच्चों को गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल के अंदर गेम्स खेल रहे होते हैं, या ऐसे ही सड़कों पर महलों में जाकर वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दीगर खेल खेल रहे होते हैं, बच्चों के साथ
हुल्लड़ मस्ती कर रहे होते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते, तो हमें ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बल्कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, हमें अल्लाह की क्या करनी है, इबादत करनी है, इबादत करनी है। अब इबादत कैसे की जा सकती है? इबादत तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, अल्लाह का जिक्र करना ये भी इबादत है, नमाज पढ़ना ये भी इबादत, रोजा रखना ये भी इबादत, सुन्नतों पर अमल करना ये भी इबादत है, अपने माँ बाप का कहना मानना ये भी नेक काम है। तो हमें अच्छे अंदाज के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी रिजा वाली और इबादत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन।